हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राहुल वेट केयर सर्विस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जनरली स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग में नियर अबाउट जो भी प्रॉब्लम होती है हेल्थ की, सबसे ज्यादा उनमें एक 80% प्रॉब्लम जो होती है वो होती है स्किन की प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, स्किन की अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है आपके स्ट्रीट डॉग में जो आपके घर में आ रहा है, लेकिन स्किन की बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन उसको बहुत ज्यादा हो सके, आप उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन ऐसे जो डॉग होते हैं हमारे घर में रात भर आके यहाँ पर हमेशा पहरा देते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल भी टच नहीं कर पाते हैं। जैसे ही वो किसी लोगों के पास अप्रोच करने जाते तो उनको मार के वहाँ से खदेड़ दिया जाता, तो ये थिंग्स बहुत ही बुरी होती है। तो ऐसी डॉग की हेल्प करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम आपको आज बताएंगे कि जो एक सिंपल सी टैबलेट लेके आपको जस्ट विद इन वन टैबलेट में आपकी डॉग की यहाँ पर खुजली इजीली मिटा सकते हो, और इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, 10 रुपीज की नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट टैबलेट पड़ती है। तो फ्रेंड्स, बने हमारे साथ, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे देखिए। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो जनरली हमारे यहाँ अराउंड द रोमिंग करते रहते हैं। सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं लोगों के घर में रहते हैं, ठीक है? हम उनको कंपाउंड में तो नहीं ले सकते, लेकिन हमेशा हमारे घर के बाहर वहाँ पर फूड के लिए हमारी राह देखते रहते हैं, हम उनको फूड भी डालते हैं, लेकिन उनकी स्किन की इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको हाथ बिल्कुल नहीं लगा सकते, उनका इन्फेक्शन हमें हो जाएगा, ऐसा हमें हमेशा लगता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, और ऐसे डॉग जब भी बाहर घूमते हैं तो हमेशा उनको पत्थर मार के खदेड़ दिया जाता है, या फिर बाकी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो स्किन की प्रॉब्लम है वो इजीली हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। आप दिन में एक बार या फिर दो बार जो भी फूड डाल रहे हो, इसमें आपको ये टैबलेट खाली दिन में एक ही बार डालनी है, और ये टैबलेट की ब्यूटी ये है कि पेट में जो भी इन्फेक्शन है पूरी तरह से खत्म कर देता है। स्पेशली जो भी जनरली देखिए, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं जनरली गार्बेज में बाहर ज़्यादा खाना खाते हैं, कहीं से नाले में का पड़ा हुआ या फिर कोई एनिमल मर के पड़ा है तो उसको खाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, पेट में हमेशा इनको टॉक्सिन लग जाती है या फिर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो ये इस तरह से न्यूमेक करके इसकी टैबलेट आती है, ठीक है? न्यूमेक करके आती है, या फिर इस तरह से इवरॉन करके एक टैबलेट आती है, ये टैबलेट बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड, बेसिक कंटेंट जो होता है ये दोनों भी टैबलेट का, ये होता है आइवरमेक्टिन, ओके, ठीक है? तो ये 10 मिलीग्राम प्रेजेंटेशन में आता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, टिक के ऊपर जो भी टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं, इसको पूरी तरह से खत्म कर देता है, और स्किन की जो पूरी लेदरी स्किन हो जाती है, स्पेशली स्कैबी का इन्फेक्शन लगता है, डेमोडिक्टिक का जो इन्फेक्शन भी लगता है, तो ये पूरी तरह से टैबलेट यहाँ पर खत्म कर देगी। उसके बाद डॉग को हार्ट वर्म की अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो भी कम कर देती है। इसमें टिक इन्फेक्शन यानी ऊपर अगर छोटे छोटे टिक्स पड़े हैं तो उसको भी खत्म कर देती है। बाद में बॉडी पे रेंगने वाली बहुत सारी जुए होते हैं, इस तरह से जुए को भी खत्म कर देते हैं, और गैस्ट्रिक इन्फेक्शन जो भी होते हैं, वर्म्स होते हैं, उसको भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। उनका डोज क्या है, ठीक है? तो फ्रेंड देखिए, जनरली मोटा मोटी इसका डोज जो होता है 0.2 मिलीग्राम से 0.6 मिलीग्राम वेरी करता है। अगर आपको पेट में अगर कीड़े पड़ गए तो 0.2 मिलीग्राम आप दे सकते हो, उसके बाद छोटे मोटे टिक माइट लाइस है तो 0.2 मिलीग्राम के हिसाब से आप डोज के हिसाब से आपके डॉग को दे सकते हो। और स्किन का बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है, पूरी तरह से हेयर लॉस हो चुके हैं, स्किन पे रैशिंग बहुत ज़्यादा है, डॉग कंटिन्यू बहुत ज़्यादा खुजली करता है, तो उस टाइम पर डोज हमको बढ़ा के यहाँ पर 0.6 मिलीग्राम के हिसाब से देना पड़ता है। तो इसमें स्कैबी जो होती है, डर्मेटाइटिस जो इन्फेक्शन होता है, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आइस के ऊपर आता है, उसके बाद पेरीफेर में साइड में जाके पूरे बॉडी पे हो जाता है, ठीक है? तो इसे ऐसे इन्फेक्शन में क्या कीजिए, मोटा मोटी ध्यान देखिए, आपको इतना डोजिंग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम बताएंगे आपको। तो ये जो टैबलेट है ये 20 kg के लिए एक टैबलेट आती है, ठीक है? जो टैबलेट है यहाँ पर आपको, जो 10 मिलीग्राम की जो टैबलेट है, तो ये टैबलेट आपको 20 kg डॉग के लिए सफिशियंट है। अगर आपको डॉग छोटा है, निर्भर आपको लगता है, तो उसके हाफ ही टैबलेट दीजिए। तो ये टैबलेट आपको नियर अबाउट कंटिन्यू यहाँ पर डॉग को दे सकते हो। जनरली ये टैबलेट जो है, अगर स्किन का इन्फेक्शन कम है तो इसका एडवाइजेबल रहता है वीकली ट्वाइस आप दे सकते हो, लेकिन स्किन का इन्फेक्शन अगर ज़्यादा है तो आप डेली ये टैबलेट नियर अबाउट 10 टैबलेट की यहाँ पर स्ट्रिप्स आती है ये वाली, इस तरह से, तो 10 टैबलेट जो है आप डॉग को डेली आप दे सकते हो, ठीक है? 10 डेज में अगर डॉग का इन्फेक्शन फिर भी नहीं कम होता है तो आप फिर से 10 डेज और इसको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो। इस तरह से आप 20 to 21 डेज तक बिल्कुल आप इसको टैबलेट को दे सकते हो। मैं लास्ट टाइम इसकी वीडियो डाली थी, बहुत लोगों की इस पर कॉमेंट आए थे, नहीं सर ये टैबलेट जो है डॉग को एक ही बार देनी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लास्ट नियर अबाउट 25 ईयर से प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं इसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये टैबलेट की ब्यूटी ये है, इसका डोज अगर यहाँ पर 10 गुना भी आप ज़्यादा देते हो तो भी डॉग को यहाँ पर फर्क इसका बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिए, जो छोटे बच्चे जो होते हैं यहाँ पर नियर अबाउट 6 वीक्स के होते हैं नियर अबाउट, ठीक है, 2 महीने के बच्चों को देने की कोशिश ना करें, इसमें टॉक्सिक होने के चांसेस रहते हैं। जनरल देखिए, टैबलेट बहुत ही ज़्यादा सेफ है, इसमें 99% आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आपके डॉग को
समझो देने के बाद अगर कुछ इशू आ रही है, जैसे डॉग डिप्रेशन में जा रहा है, वहाँ पर एक ही जगह बैठा है, उसको ओमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है टैबलेट देने के बाद। उसके बाद यहाँ पर एनोरेक्सिया है, खाना खाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, डॉग को डायरिया लग रहा है, डॉग को कन्वल्शंस आ रहे हैं, ठीक है, और सलाइवेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम पे आपको एक टैबलेट यहाँ पर स्टॉप कर देनी है, ठीक है। तो और नियरेस्ट डॉक्टर के पास दिखा के उसका ट्रीटमेंट चलाइए। जनरल देखिए टैबलेट देने के बाद अगर इस तरह से कोई इशू आ रही है, कभी कभी किसी किसी डॉग को एलर्जिक रिएक्शंस भी होने के चांसेस रहते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर डॉग को ओमिशन इंड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, हाफ कप ऑफ वाटर लेना है, उसमें आपको एक टेबल स्पून जो होता है हमारा उसमें नमक डालिए और डॉग को ज़बरदस्ती पिला दीजिए, ठीक है। तो ये पेट में जाने के बाद डॉग को इरिटेशन करेगा और जो भी कंटेंट है पेट में यहाँ से पेट में बाहर आ जाएगा, उससे डॉग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिलीफ मिल जाता है। तो फिर इस तरह से आप जो स्ट्रीट डॉग है उनको हेल्प करने की बिल्कुल कोशिश करिए। तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी स्ट्रीट डॉग के ऊपर सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, जैसे स्ट्रीट डॉग को जख्म हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद स्ट्रीट डॉग को कौन सा फूड खिलाना चाहिए, स्ट्रीट डॉग को फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, जनरली हाथ पर टूट जाते हैं, तो उसमें कौन सी तरह से आपको जस्ट 30 रुपीज की रेमेडीज है, 30 रुपीज में कैसे आपको आराम से प्लास्टर करना चाहिए ताकि आप स्ट्रीट डॉग की बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से खेल सको। तो फ्रेंड्स से आपकी वीडियो कैसी लगे उसे कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर चैनल को नए तो सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पेट कुछ प्रॉब्लम है जो काफी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपनिंग के देख रहे हो तो नीचे दिए नंबर पे आप हमें यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।